नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी और साक्षात्कारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या प्रदान करेंगे, जिनके उत्तर आप आसानी से याद कर सकते हैं और इससे आपकी परीक्षा तैयारी को विशेष बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए आगरा, बी लखनऊ, सी लखीमपुर खीरी, डी प्रयागराज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी। आपका दूसरा सवाल है, कौन सा जानवर अपना सारा काम नाक से करता है? आपका ऑप्शन है ए घोड़ा, बी हाथी, सी कंगारू, डी गिलहरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाथी। आपका तीसरा सवाल है, किस देश के होटल में बचा हुआ खाना फेंकना गैर कानूनी माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी उत्तर कोरिया, डी सऊदी अरब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस। आपका चौथा सवाल है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? आपका ऑप्शन है ए 100 वर्षों तक, बी 300 वर्षों तक, सी 200 वर्षों तक, डी 400 वर्षों तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 200 वर्षों तक। आपका पांचवा सवाल है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए पंजाब में, बी बंगलुरु में, सी वाराणसी में, डी कपूरथला में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कपूरथला में। आपका छठा सवाल है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पीना प्रारंभ किया? आपका ऑप्शन है ए गाय का, बी ऊंट का, सी बकरी का, डी भैंस का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बकरी का। आपका सातवां सवाल है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी विदेश नहीं गए? आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी चौधरी चरण सिंह, सी राहुल गांधी, डी मनमोहन सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह। आपका आठवां सवाल है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए चीन में, बी भूटान में, सी श्रीलंका में, डी पाकिस्तान में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पाकिस्तान में। आपका नौवां सवाल है, सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी मणिपुर, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। आपका दसवां सवाल है, कौन से जानवर के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी सांप, डी केकड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुत्ता।
का 11वां सवाल है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए कोसी, बी यमुना, सी दामोदर, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दामोदर। आपका 12वां सवाल है, ताला नगरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए अलीगढ़, बी जबलपुर, सी गोरखपुर, डी मुरादाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अलीगढ़। आपका 13वां सवाल है, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। आपका 14वां सवाल है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी गोल्फ, डी फुटबॉल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हॉकी। आपका 15वां सवाल है, वोलर झील किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी गोवा, सी गुजरात, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। आपका 16वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए होली, बी दीपावली, सी रक्षाबंधन, डी गणतंत्र दिवस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गणतंत्र दिवस। आपका 17वां सवाल है, प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? ए स्नेल, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, डी यंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैक्सवेल। आपका 18वां सवाल है, किस देश को थंडरबॉल्स की भूमि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भूटान, सी मंगोलिया, डी थाईलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भूटान। आपका 19वां सवाल है, दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था? ए भारत, बी नेपाल, सी अफ्रीका, डी जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अफ्रीका। आपका 20वां सवाल है, सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी यूक्रेन, सी रूस, डी थाईलैंड। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारी चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।